डिपार्टमेंट हमारे आज ऑनलाइन आपको सर्विस दे रहे हैं, जिसमें जेके बैंक की मैं बात करूंगा। मैं कभी भी पिछले शायद आप 5 साल से बैंक में नहीं करते हैं, बनाते हैं। प्लस हमारे पास अभी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इनका पूरा अच्छी तरह समझाएं, खासकर हमारे अगर कंपनियों का भी बताएं और कितनी कंपनियां हैं, तो ये तो एक अच्छी पेंशन वाले हो रहा प्रोसेसिंग चेक करो। इंडियन आर्मी की वाइट नाइट कार्प्स जो अखनूर एरिया में यहाँ पे है, वो इस किस्म के काफ़ी कैंप्स इस इलाके में करवाते रहते हैं। और आज इनके साथ मिलके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे लेके उपस्थित है, और यहाँ के लोगों को जिस भी सर्विस की ज़रूरत है वो यहाँ ऑन द स्पॉट मुहैया करवा रही है। और इससे यहाँ के लोग जो अखनूर में, जम्मू में या खोड़ के तहसील हेडक्वार्टर पर जाके अपना दिन तोड़ के अपना काम करवाते थे, अब वो आज यहाँ पे अपने घर के पास ही उनका काम मसला हल हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इंडियन आर्मी की सपोर्ट से। थैंक यू। आज का जो कैंप था ये इंडियन आर्मी की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे सोशल वेलफेयर, रेवेन्यू, ज़िला सैनिक बोर्ड और हमारा जो कि हेल्थ की तरफ से, हमने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से अपना एक स्टॉल लगाया था, जिसमें हमने लोगों को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। जैसे कि हमारा एनसीडी स्क्रीनिंग था, जिसमें हमने काफ़ी लोगों को बीपी मेजर किया है, शुगर के लिए लोगों का डायबिटीज़ चेक किया है कि लोगों को, जिसमें जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो लोग कहते हैं कि बड़ी शुगर की बड़ी आजकल बीमारी चल रही है। तो यहाँ पे हमने बीपी शुगर का काफ़ी ज़्यादा हमने उसके ऊपर फोकस रखा हुआ है, क्योंकि एनसीडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चल रही है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एनसीडी मतलब जो है 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसमें बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, बट लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। दूसरा हमारा अनीमिया मुक्त भारत चल रहा है, जिसके थ्रू हमने HB लोगों का चेक किया है, जिसमें हम 6 एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, जिसमें एडोलेसेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, इन सारे लोगों का हमने यहाँ पे HB भी चेक किया है। दूसरा हमने यहाँ पे फ्री मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट की है। तीसरा हमारा अभी फ़िलहाल मलेरिया भी चल रहा है, डेंगू, जिसमें हमारी मलेरिया टीम ने यहाँ पे कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं जो सस्पेक्टेड केसेस रहते हैं। बाकी हमारा यहाँ पे और भी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड की स्कीम चल रही है, उनका गोल्डन कार्ड जनरेशन हुई है। दूसरा आभा आईडी एक यूनिक आईडी है, उसकी जनरेशन हमारा हमने इस कैंप के थ्रू की है। बाकी हम बहुत थैंकफुल हैं इंडियन आर्मी के कि उन्होंने एक अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज़ कराया है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे भी ऐसे कैंप होते रहें और हम अपनी सर्विसेज देते रहें। थैंक यू।